हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करते हैं, बलरामपुर ब्लॉग्स बना रहा हूं मैं, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज हम बलरामपुर के सभी डिटेल आपको बताएंगे, बलरामपुर में क्या क्या चीज़ है और कहां कहां पर है। सबसे पहले हम लोग बलरामपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाते हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस में ATM लगा हुआ है, वहाँ से कुछ हम लोग को पैसा निकालना है। ये बलरामपुर का कलेक्ट्रेट ऑफिस है। और हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर आ चुके हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो सामने दिख रहा है बैंक, वहाँ से ATM से पैसा निकाल लेंगे हम लोग। ATM से पैसा निकाल लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं सिटी के साइड। यहाँ पर आज छुट्टी का दिन था इसलिए भीड़ नहीं था, नहीं तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ रहता है। यह है कलेक्ट्रेट का पूरा सीन। कलेक्ट्रेट से बाहर निकलते हैं हम, और ये हमारे बलरामपुर ज़िले का कलेक्ट्रेट का उद्घाटन 14 जनवरी 2018 में हुआ था। और ये हम लोग ये जो है ये हम लोग सिटी की ओर जा रहे हैं। और ये मेरा OnePlus Nord 2 कैमरा भी टेस्ट कर रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा ही वीडियो बनता है इसमें। सभी सिटी के अंदर हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। पहुंचने वाले हैं हम लोग अभी सत्यम होटल आगे है। ये जो एरिया है ये अधौरा बोलते हैं इस जगह को। ये हम लोग सत्यम होटल के पास पहुंच चुके हैं। सत्यम होटल यहाँ पास तो हम लोग पहुंच चुके हैं। बलरामपुर एक गैरेज है यहाँ पास, यहाँ से आगे जाते हैं, आगे पर पेट्रोल पंप है। ये बलरामपुर का पूरा व्यू है। ये देखिए इधर नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, जो कि पहले इस जगह पे नहीं था। ये बलरामपुर हम लोग रेस्ट हाउस है यहाँ पास। यहाँ पास अंबिकापुर यहाँ से 85 किलोमीटर है, राजपुर 40 किलोमीटर। यहाँ पास हाई स्कूल है, जो पानी टंकी दिख रहा है वहाँ पे। यहाँ पास मेन रोड है, नेशनल रास्ता। से सीधे चले जाएंगे हम लोग। अभी जा रहे हैं सब्जी मार्केट, हम लोग अभी सीधे चले जाएंगे अंबिकापुर रोड। यहाँ पे जा रहे हैं, सिटी है बलरामपुर का जो मेन सिटी है। आज बलरामपुर सैटरडे को लॉकडाउन रहता है, जिसे सभी दुकान बंद रहते हैं, जिससे आज यहाँ भीड़ कम है सभी दुकान बंद होने के कारण। ये जो बलरामपुर सिटी का मेन पॉइंट है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है। ये बगल में आपका थाना है। ये
ये हम लोग पहुंच गए चांदो मोड़, यहाँ पर चांदो मोड़ पहुंच गए। इससे शंकरगढ़ कुसमी ये वाला रास्ता जाता है। अरे यार, हम लोग का कार का टायर जो पंचर हो गया था उसको बनवाने जाना था, जो कि पीछे वाले रास्ता में था। हम लोग भूल गए थे गाड़ी को बैक कर रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है हनुमान मंदिर है। ये गाड़ी को हम लोग बैक कर लिए चांदो रोड में, अपना गाड़ी को हम लोग डाले हैं। ये वाला रास्ता चांदो जाता है, चांदो से शंकरगढ़ कुसमी सामरी। ये टायर दुकान आगे पेड़ के नीचे है, जो पेड़ दिख रहा है बड़ा सा, उसी पेड़ के नीचे है टायर दुकान। वहाँ पर हम लोग अपने हमने टायर को बनवाएंगे। यहाँ पास जो दिख रहा है टायर दुकान है, गाड़ी को हम लोग टायर दुकान के पास ले जाएंगे। से टायर बनवा के निकल गए। अब हम लोग फिर चलेंगे सब्जी मार्केट। सब्जी मार्केट में कुछ सब्जी लेना है। जो पानी टंकी दिख रहा है, जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पास जो आगे जो दिख रहा है, यहाँ पास पुराना बस स्टैंड था जो अभी अभी नया बना है, वो सब्जी मार्केट से थोड़ा आगे है ये जो दिख रहा है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यहाँ से थोड़े से दूरी पर सब्जी मार्केट है और नया बस स्टैंड। चलते जा रहे हैं। ये जो टावर जो लगा हुआ है, ये BSNL का टावर लगा हुआ है। ये जो सीधा जो निकल जाएगा वो अंबिकापुर रोड है। हम लोग अपने मार्केट की ओर चल जाएंगे। सामने ही नया बस स्टैंड है। ये हम लोग पहुंच गए सब्जी मार्केट में। ये है बलरामपुर सब्जी मार्केट। यहाँ पर बुधवार को मार्केट लगता है। आ गए। बस हम लोग सब्जी मार्केट पहुंच गए हैं। कुछ चिकन लेना है, हम लोग चिकन लेंगे अभी। यहाँ पास चिकन है।
ये हम लोग का चिकन तौला रहा है। हम लोग चल दिए इधर से, कुछ सब्जी लेना था। देख रहे हैं कौन कौन सा सब्जी है, चलिए देख रहे हैं। जो है बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पास, तो आज सैटरडे होने के कारण बलरामपुर बंद रहता है, इसलिए गुदरी बाज़ार है। बस सब्जी ले ले रहे हैं हम लोग अपना, परवर लेंगे। छोड़िए छोड़िए।